आ गए सेनापति। चिंतित मत होइए ऋषिवर, आज हम आक्रमण करने यहाँ आश्रम फूंकने नहीं आए हैं। तो फिर क्यों आए हो यहाँ? आपके पास एक चमत्कारी गाय है ऋषिवर, उसने हमारे राजकुमारों के मन को मोह लिया है। वो गाय आप हमें सौंप दीजिए। मस्तिष्क तो नहीं फिर गया तुम्हारा? इस संसार की हर वो वस्तु जो तुम्हारे राजकुमारों को भा जाएगी तो क्या उनकी हो गई? जाओ जाओ, जाके कह दो अपने राजकुमारों को कि मैं किसी भी मूल्य पर यह गाय उन्हें नहीं दूंगा। यदि आप उसे किसी भी मूल्य पर नहीं देंगे तो हम उसे बलपूर्वक ले जाएंगे। यह अन्याय मत कीजिए सेनापति, मत कीजिए। जाने गाय खोल लो। छोड़ दो इसे, मैं इसे जाने नहीं दूंगी। छोड़ दो इसे, हट जाओ। छोड़ दो इसे, मैं कहता हूं हट जाओ। एक कन्या से ध्रुव व्यवहार करते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? आज पहली बार मुझे आभास हुआ है अपने पुत्र के कथन के औचित्य का। वो सत्य कहता था, कभी कभी शस्त्र उठाना ही अहिंसा का सबसे बड़ा प्रमाण होता है। जाओ, चले जाओ यहां से। तुम अपनी असफलता की एक और कहानी सुनाने लौटे हो। मेरी थी, मुझे यह कार्य तुम्हें सौंपना ही नहीं चाहिए था। यह बात नहीं है महाराज, यह सोचकर कि परशुराम आश्रम से जा चुका है और वहां जो लोग हैं वो निशस्त्र हैं। मैं अपने साथ वहां कोई सेना की बड़ी टुकड़ी लेकर नहीं गया था, मेरे साथ केवल 3-4 सैनिक ही थे। तो क्या हुआ, कहते सैनिक पर्याप्त नहीं थे? मैं भी यही समझता था महाराज, किंतु मेरे देखते ही देखते ऋषि जमदग्नि ने शस्त्र उठा लिए। क्या ऋषि जमदग्नि ने शस्त्र उठा लिए? परंतु वो तो इसके विरोधी थे। ये सर्वदा सत्य है महाराज, और इसी विषय को लेकर उनका अपने पुत्र परशुराम के साथ मतभेद भी हुआ था, किंतु मुझे लगता है अब उनके विचारों में परिवर्तन आ चुका है। यह शुभ संकेत नहीं है सेनापति, और इस पर रोकथाम लगाना आवश्यक है। मैं सुशीला को छीनने ऋषि जमदग्नि के आश्रम में स्वयं जाऊंगा। तुम जा सकते हो महाराज। ऋषिवर, मैं नहीं चाहता कि यह क्षेत्र एक बार फिर अग्नि और मानव व्रत के सागर में परिवर्तित हो जाए। मैं यह भी नहीं चाहता कि हमारा खड़ग एक बार फिर मानव व्रत से अपना मुख लाल करे। मैं यह भी जानता हूं कि आप भी यह नहीं चाहते होंगे। मैं ऋषि हूं और ये मेरे विद्यार्थी हैं। अहिंसा मेरा परम धर्म है और मैं उसी धर्म की शिक्षा इन्हें भी दे रहा हूं।
अब भी यह कहने की आवश्यकता रह गई है कि हमें रक्त और अग्नि के इस खेल से कितनी घृणा है। यह खेल बंद भी हो सकता है ऋषिवर, मैं युद्ध विराम भी कर सकता हूं, परंतु यदि आप चाहें तो इस रक्तपात को रोकने के लिए मुझे क्या करना होगा? एक छोटा सा कार्य है ऋषिवर, एक छोटी सी बात है, सुशीला मुझे दे दो। तुम ये संदेश पहले भी मुझे भेज चुके हो और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हें अपने संदेश के लिए मेरा उत्तर भी तुम्हें मिल चुका होगा। एक पशु एक गाय के लिए इतना बड़ा संकट मोल ले रहे हो ऋषिवर। प्रश्न एक पशु का नहीं, प्रश्न एक सिद्धांत का है सहस्र अर्जुन। सिद्धांत? कैसा सिद्धांत? सहस्र अर्जुन, हमने अपने पुरखों से जो शिक्षा पाई है और हम अपनी नवयुवक पीढ़ी को जो शिक्षा देते हैं उसके अनुसार जो राजा होता है, जिसके हाथों में सत्ता होती है, उसे स्वयं को प्रजा की संपत्ति और प्राणों का रक्षक सिद्ध करना होता है। उनका स्वामी नहीं, उसके विशेष अधिकार अवश्य होते हैं, किंतु वो प्रजा के अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। तुम्हारे राजकुमार को यदि सुशीला भाग गई थी तो उन्हें हमसे विनती करनी चाहिए थी, हमसे प्रार्थना करनी चाहिए थी। विनती? प्रार्थना? ऋषिवर, आप जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं ना, ये ना तो क्षत्रिय भाषा का अंश है और ना ही बन सकते हैं। स्पष्ट और सरल बात यह है ऋषिवर कि हमारे पुत्रों ने सुशीला की मांग की है और उनकी मांग पूरी करना पिता के नाते हमारा कर्तव्य है। तो फिर तुम भी सुन लो सहस्र अर्जुन, सुशीला मेरी संपत्ति है और अपनी संपत्ति की रक्षा करना मेरा भी धर्म है। और यह धर्म आप कैसे निभाएंगे ऋषिवर? शस्त्र उठाकर। शस्त्र उठाकर? यह समाचार मैंने भी सुना था ऋषिवर, और सुनकर आश्चर्यचकित रह गया था कि शांति और अहिंसा की शिक्षा देने वाले ऋषि जमदग्नि ने अपने धर्म से विमुख होकर शस्त्र उठाने का निर्णय लिया है। अच्छा, सहस्र अर्जुन, जब ये भ्रम फैलने लगे, ये हिंसा और कायरता दो शब्द हैं किंतु उनका अर्थ एक ही है, तो फिर हिंसा का लक्ष्य बनने वाले हर व्यक्ति हर वर्ग का यह कर्तव्य है कि वो इस भ्रम को दूर कर दे। तो आप मुझ पर आक्रमण करेंगे? नहीं, किंतु यदि तुमने आक्रमण किया तो मैं समस्त शक्ति के साथ आत्मरक्षा अवश्य करूंगा। तो फिर संभलिए ऋषिवर, और क्षत्रिय को ललकारने का परिणाम भी देख लीजिए। मरण रहे सहस्र अर्जुन, जो शस्त्र विद्या सिखा सकते हैं वो स्वयं युद्ध भी कर सकते हैं। Thank you.
स्वामी 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 मुझे खेद है ऋषिवर, कि आप अपने शिष्यों को शस्त्र विद्या तो अवश्य सिखा सकते हैं, लेकिन इन शस्त्रों का प्रयोग करना आपके वश की बात नहीं। आचार्य होना और बात है, और योद्धा होना और बात। यदि आपने मुझे यह गैया सौंप दी होती तो आपको अपने परिवार और इन शिष्यों के बीच लज्जित ना होना पड़ता। नहीं सहस्त्र अर्जुन, नहीं, तुम ये अत्याचार नहीं कर सकते। गाय को खोल कर ले जाओ। नहीं नहीं नहीं, शीला मुझे क्षमा कर देना, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया, अब तुम्हें अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। सुशीला सुशीला, मत करो मेरे प्राणों की चिंता, मत करो।
इन्हें वापस मत बुलाओ सुशीला। सैनिको इस कैया को खोल लो। सुशीला सुशीला मेरे प्राणों की सुशीला मत करो, छोड़ दो सुशीला को, कहीं नहीं जाएगी। बच्चा बच्चा वाला बिगा, छोड़ दो सुशीला को, छोड़ दो बच्चा वाला बिगा, बच्चा चलो वाला बिगा तो रोको सुशीला 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 स्वामी 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 पुत्र स्वामी स्वामी क्या हुआ? महादेव स्वामी स्वामी परशुराम पुत्र तुम सत्य कहते थे, आवश्यकता पड़ने पर शस्त्र केवल आत्मरक्षा के लिए नहीं, अपितु पुत्र आक्रमण के लिए भी उठाना उचित है। स्वामी महादेव स्वामी महादेव महादेव मेरे राजकुमारों मेरे पुत्रों मैंने तुम्हारी मनोकामना पूरी कर दी है। तुम्हें ऋषि जमदग्नि की गाय सुशीला भागी थी ना, मैं तुम्हें यह दिखाना चाहता था कि तुम्हारा पिता अपने पुत्रों से कितना प्रेम करता है। मैं सुशीला को ले आया, सुशीला बाहर उपस्थित है, तुम जाकर देख सकते हो। सम्राट शास्त्रार्जुन की जय। पिताश्री की जय। हमें गर्व है कि ईश्वर ने हमें इतना प्रेमी पिता दिया है। हमें आप पर गर्व है पिताश्री, आपने हमारी हार्दिक इच्छा पूरी कर दी है पिताश्री। ये तो तुम्हारे भाग्य अच्छे थे पुत्रों कि परशुराम अपने पिता से झगड़ा करके आश्रम से कहीं दूर चला गया था, नहीं तो सुशीला को यहां तक लाना इतना सरल नहीं था। तुमने सत्य ही कहा था पुत्रों, सुशीला एक चमत्कारी गाय है, मैं उसके चमत्कार अपनी आंखों से देख चुका हूं। क्या सुशीला ने आपके लिए कोई बाधा उत्पन्न की? बाधा? पुत्र यदि मैंने ऋषि जमदग्नि को अपनी ढाल ना बुला लिया होता तो संभवतः ना मेरी सेना बचती ना मैं। यदि मैंने सुशीला को लाने का वचन ना दिया होता तो मैं ये जोखिम कदापि ना उठाता। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। पुत्र सुशीला जैसी चमत्कारी गाय के ना रहने से ऋषि जमदग्नि तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, परंतु परशुराम की मुझे अब भी चिंता है। पिता पुत्र के मार्ग अलग हो चुके, अब हमें क्या चिंता? रक्त जल से गाढ़ा होता है पुत्र, इस झगड़े की अवधि पर भरोसा करना बहुत बड़ी मूर्खता होगी। परशुराम बलवान है, उसे जीत पाना बहुत कठिन है। जो रावण को इतने कड़े पैरे से छुड़ा कर ले जा सकता है उसकी शक्ति को कम समझना आत्महत्या करना होगा। मैं अकेला उसका सामना नहीं कर सकता। हम चारों आपके साथ हैं पिताश्री,
और अपने जीवन के अंतिम क्षण तक आपके साथ रहेंगे। तुम चारों का साथ भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं होगा पुत्र, इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि जिस प्रकार परशुराम भार्गवों का कतरत कर रहा है उसी प्रकार मैं भी क्षत्रियों को संगठित करूंगा। क्षत्रिय वंशों ने मेरा साथ देने का निर्णय लिया है, मैंने कल ही उनकी सभा बुलाई है। चलो भाइयों, पहले सुशीला के दर्शन तो कर लिए जाएं। चलो 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 चलो। अहो भाग्य हमारे जो आपने अपने दर्शन दिए। हमारे राजभवन पधारकर आपने हमें कृतार्थ किया देवी। आपने जब हमें आश्रम में 56 भोग का स्वाद चखाया था, हमने उसी समय आपकी महानता के समक्ष शीश नवा दिए थे। जिस प्रकार आपने आश्रम में हमारी इच्छा पूरी की थी, ठीक उसी प्रकार आज भी हमारी इच्छा पूरी करने की कृपा करें। हम चारों भाइयों के लिए चार ऐसी सुंदर कन्याएं प्रकट करो जिनका यौवन मदिरा के कलश की तरह छलक रहा हो, जिनके मुख चंद्रमा और केश श्रावण की काली घटाओं के समान हो। परंतु ठहरो, सुरा के बिना सुंदरी का क्या आनंद। हमें ऐसे सुरा कलश ला कर दो जिन्हें पीकर हम संसार के सारे दुख भूल जाएं। इतना विलंब देवी, रेणुका के कहने पर तो आपने पलक झपकते ही स्वादिष्ट भोजन का प्रबंध कर दिया था। हाँ देवी, ऐसा स्वादिष्ट भोजन तो आज तक हमें अपने राजमहल में भी नहीं मिला। क्या हो गया सुशीला को? तुम हमारे आदेश का पालन क्यों नहीं कर रही? कहीं हमारे साथ छल तो नहीं हुआ? कैसा छल बंधुश्री? ये तो सुशीला ज्ञाती नहीं होती। जमदग्नि ने छल किया है हमारे साथ। ये वो गऊ नहीं है। अवश्य ही ये कोई साधारण गऊ है। ए गऊ, हम तुझे अंतिम अवसर देते हैं, हमारी इच्छा पूरी कर दे, नहीं तो जम्मो। दुष्टों, यदि गौ माता को हाथ भी लगाया तो आप लोगों के मृत शरीर धरती पर पड़े दिखाई देंगे। कितने निर्लज्ज और निर्दयी हो तुम लोग, गौ जैसे एक भोले भाले पशु पर अत्याचार कर रहे हो। ये अपना चमत्कार नहीं दिखा रही है, हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं कर रही, हमें वो नहीं दे रही जो हम चाहते हैं। मूर्ख, ये पवित्र गौ है, ये वही भेंट करती है जो पवित्र होता है। तुम दुष्कर्मियों की अपवित्र और अनैतिक इच्छाएं ये पूर्ण नहीं करती। ये तो अपवित्र स्थान पर रहना भी सहन नहीं करती। मैं तुम्हें इस कर्म का दंड अवश्य देता, परंतु गौ माता सुशीला की उपस्थिति में मैं कोई हिंसक कार्य नहीं करना चाहता। मैं तुम लोगों को अंतिम बार क्षमा कर रहा हूं, ध्यान रहे। चलिए माता, ये स्थान आपके लिए अपवित्र है, चलिए। हम तुझे देंगे परशुराम, इससे पहले कि जमदग्नि के आश्रम में पहुंचे हम चारों को वहां पहुंचना होगा। चलो भाइयों। धन्यवाद।
अनुका, मेरा राम, मेरा परशुराम कहाँ है, किधर गया है? स्वामी, दुष्ट शास्त्राजुन सुशीला को लेकर चला गया है और परशुराम उसी को लेने गया है। रेणुका, स्वामी, रेणुका, स्वामी, मेरे शिष्य और मेरे शेष पुत्र तो घायल नहीं हुए ना रेणुका? आप चिंता ना करें स्वामी, उनके घाव साधारण हैं। मैंने उन्हें विश्राम करने का आदेश भी दे दिया है, वे विश्राम कर रहे होंगे। ईश्वर का धन्यवाद कि आप मूर्छा से बाहर आ गए। आपको मूर्छित देखकर मैं तो घबरा ही गई थी। पहले मूर्छित देखा था, अब मत देखोगी। तुम्हारे पुत्र परशुराम ने हमारा अपमान किया था। हमारा अपमान किया तो जान लेगा कि हमारा अपमान करने का परिणाम क्या होता है। आओ, आओ सब बोलो। माता, ऐसी कायरता, माता, स्वामी, माता,
स्वामी नहीं स्वामी नहीं। माता शांत हो जाइए, शांत हो जाइए माता, शांत हो जाइए माता, माता। पिताश्री, मैंने आपसे कहा था पिताश्री कि आतंक के समक्ष सिर झुकाना आतंक को औचित्य प्रदान करना होता है। जो लोग अहिंसा को कायरता समझते हैं उन्हें यह विश्वास दिलाना आवश्यक होता है पिताश्री कि अहिंसा व्यक्ति को कायर नहीं बनाती। आपने मेरा तर्क समझा पिताश्री, आपने मेरा तर्क समझा, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हे माता, मैंने गणना की, आपने 21 बार अपनी छाती को पीट कर विलाप किया, 21 बार। मैं आपको अपने पिता के पार्थिव शरीर पर यह वचन देता हूं माता कि मैं इन क्षत्रियों का 21 बार वध करूंगा, 21 बार उनके वंश को मैं नष्ट करूंगा। हे माता, मैं इस धरती को उन कायरों के रक्त का सरोवर बना दूंगा। आपकी सौगंध माता, आपकी सौगंध, मैं यही करूंगा माता, मैं यही करूंगा। जंबो मैं शंभू।